हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों एंड ऑल एस्पिरेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और यहां पर हम चला रहे हैं सीरीज़ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की। और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में मैंने इसके पहले आपको कुछ वीडियोस डाले थे आपको डिटरमिनेंट चैप्टर के, जिसमें हमने इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे। और अब टाइम चल रहा है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, जैसा कि आपको थंबनेल में हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि आज हम पर्टिकुलरली जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम डिटरमिनेंट चैप्टर के मैथ्स के एग्जाम्पलर सॉल्यूशन की बुक के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है आपके सामने, इफ़ ए आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया है। तो सबसे पहले एक्चुअली ए जो है यहाँ पे आपके सामने ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बट ये एक्चुअली मैट्रिक्स होगा बिकॉज ये ए इनवर्स पूछ रहे हैं। सो इसको डिटरमिनेंट को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास ए इनवर्स क्या है। ओके, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपके पास थे तीन इक्वेशन दिए गए, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स वही आप अपना जो तरीका होता है कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए का मेथड सॉल्व करके उसको आप ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकाल के दिखाया गया। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लिया गया है, आपने देख लिया। और एडजॉइंट ए के बाद यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए करके यहाँ पर इसने ए इनवर्स निकाल दिया है। अब कह रहा है कि इस चीज़ को यूज़ करते हुए, क्योंकि अपने पास ए इनवर्स आ चुका है। ओके, क्या आ चुका है ए इनवर्स, ये एक्चुअली बॉक्स के अंदर रहेगा बिकॉज ये मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, ए इनवर्स को यूज़ करते हुए हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो मैं क्या करूँ, मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सी एक्स इक्वल टू डी, जहाँ पर सी ए बन चुका है, एक्स ए बन चुका है और डी ए बन चुका है। आप ध्यान से देखिए कि आपके पास में ए इनवर्स है ना। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ज़रा आप देखो कि आपके पास जो आपने ओरिजिनल नंबर लिया था वो क्या था, जो आपके पास ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स था वो क्या था, ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स था 1 2 0 1 2 0। ओके, और यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये, और ये इक्वेशन जो है आपके पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ए क्या बन रहा है, मतलब इक्वेशन का जो मेन मैट्रिक्स है ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। तो ये है 1 -2 0। ओके, देन इसके बाद है 2 -1 एंड -1, और फिर कितना है यहाँ पे, 0 है -2 है 1 है। ओके, ये क्या बना, ये इस इक्वेशन का जो आपका कोफिशियंट मैट्रिक्स बनता है वो बन चुका है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ध्यान से देखो कि ये जो चीज़ है, ये जो आया है आपका कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है ना, सेकंड वाला मैट्रिक्स, ये जो है ये मैट्रिक्स जो है इस वाले का जस्ट क्या है, इसका ट्रांसपोज है। और आपको इन्वर्स किसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा जिसको आप सी मान रहे हो। ये देखो आप जब सॉल्व करके लेके आए हो ना, ये देखो यहाँ पे अपने सी एक्स इक्वल टू डी की फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया है तो आपको इसका इन्वर्स निकालना है। किसका निकालना है, सी का इन्वर्स। अब एक चीज़ फील करो कि जो सी है आपका, जो C है एक्चुअली, C क्या है, A का ट्रांसपोज है। A का क्या है, ट्रांसपोज है, मतलब C जो है आपके पास में A का ट्रांसपोज है। देख लो आप ऊपर देख लो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है C जो है A का ट्रांसपोज है। ये देखिए आपके पास में ये मैट्रिसेस आपका C है। ओके, और ये मैट्रिसेस A है। तो ध्यान से देखो, ये इसका रो है और ये इसको रो को कॉलम में पलट दिया है, मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है एक्चुअली C के फॉर्म में, वो मैट्रिक्स C क्या है, C जो है A का ट्रांसपोज है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप C मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है तो आप इसको करना क्या पड़ेगा, बस आप देखिए आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, आपके पास कंडीशन बनेगी सी एक्स इक्वल टू बी। ओके, सी एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन ए। एक्स इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन ए। फिलहाल A नहीं खेलेगा, A की जगह कौन खेल रहा है, C खेल रहा है, तो बी अपॉन सी हो जाएगा। सो यू कैन राइट वट एक्स इक्वल टू सी इनवर्स इन टू बी, सी इनवर्स इन टू बी। अब सी है क्या, सी तो ए का ट्रांसपोज है ना, तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब, और आपको पढ़ा है, आपने रूल पढ़ रखा है कि ए का ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, सो मोर बेटर आप इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इन टू बी। ओके, ये थ्योरम बहुत काम की यहाँ पे, तो ये आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आपको ए इनवर्स तो पता ही है,
ए इनवर्स आपको पता है, ए इनवर्स कहाँ निकाल रखा आपने, ये निकाल रहा है। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, यहाँ पे जो आपने ए इनवर्स निकाल रखा है कितना निकाल रखा है, 3 - 2 - 4 है ना। तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देनी है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। क्या निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए। तो एक्स की इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स आपने ऊपर निकाल रखा है और उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बन गया और बी आपका ये बन गया है, ओके। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक नए लॉजिक आपके साथ बनने जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक फार्मूला नोट कर लें कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सबसे काम का फार्मूला यही है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यहाँ पर ये फार्मूला बहुत अच्छे से लग रहा है और इसका हम यहाँ पर यूज़ भी कर रहे हैं, ओके। तो ओके बच्चों, मैं एक बात कह देना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्पेशली जो हैं CBSE एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलरली एज अ टीचर मैं भी इन क्वेश्चंस को बहुत लाइक करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आने चाहिए, और ख़ासकर CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके। आई होप एक बार फिर से आप देख लीजिए हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, ओके। मैं थोड़ा सा इसका व्यू छोटा कर देता हूँ। यस, ये इसका पहला पार्ट था जिसमें सबसे पहले आपने एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए निकालने के बाद आपने ए इनवर्स निकाला है, फिर इसके पास आपके सिस्टम दिया है जिसका आपने एक लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म किया सी एक्स इक्वल टू डी, और सी एक्स इक्वल टू डी के बाद आपने देखा कि सी जो है वो ए का ट्रांसपोज है, तो उसका इनवर्स निकालने के लिए एक आपके पास थ्योरम सपोर्ट करती है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है दैट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो आपके पास ए इनवर्स ऑलरेडी है, तो आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इक्वेशन एक्स इक्वल टू सी इनवर्स डी लगा दिया, जिससे आपके पास में एक्स की वैल्यू आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो ये एकदम सिंपल वेराइटी का क्वेश्चन है, लेवल वन का, ओके। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तीन आपके सामने इक्वेशन दिया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस थर्ड, तो क्या थिंकिंग प्रोसेस। सिंपल है यार, आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाना है किस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बनाना है, और एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी, ओके। और ए इनवर्स के लिए क्या एडजॉइंट अपॉन ए निकालना पड़ेगा, ये लिखा है, वी नो दैट द गिवन सिस्टम और इक्वेशन मैट्रिक्स का फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स की वैल्यू निकाल करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इसमें कुछ भी करने जैसा खास नहीं है, एक्स की वैल्यू आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी करके आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास पहले सबसे पहले ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट कर दीजिए, ये आ गया, फिर इसके बाद आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ चुका है एक्स इक्वल टू वन, जेड वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन। अब सवाल आता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन से चेक करना चाहिए, उस समय आपको किससे जाना, ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन उस समय आप जो है चेक करिए कि कौन सा करेक्ट आंसर आपका तीनों इक्वेशंस को मैच करा रहा है, तीन या चार जितने भी हैं उनको देखिए। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड बी ए। तो सबसे पहले तो बी ए फाइंड करना है, एंड यूज़ दिस टू सॉल्व, हाँ मतलब बी ए जो होगा कुछ आएगा उसको यूज़ करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, 1, 2, 3। तो सबसे पहले तो बी ए निकाल लें तो आगे की बातें पता चलें। तो ये ए है और ये ए बी है, और ए है बी है, और अपन ने बी ए निकाला। तो देखो मजे की बात क्या है कि ए बी ए जो है हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6i आ रहा है, ओके। ये मैट्रिक्स सब में मैट्रिक्स बॉक्स लगेगा, ये ना भी दिया तो आप बॉक्स लगा लीजिए, अंडरस्टूड है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको कंसीडर कर लेनी चाहिए, ओके, यस। तो यहाँ पे आपके पास ए बी इक्वल टू कितना आ चुका है, 6i आ चुका है, ओके। तो अब एक चीज़ देखो, आपके पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वाई टू जेड, ये पहले सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स आपके पास है, इस सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स का आप यदि मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, 0, 1, 2 बनेगा, ओके, 0, 1, 2, ओके। एंड देन इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई, यानी 1 और माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ चुका है, ओके। एंड देन तीसरा कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये आ चुका है 2, 3, 4, ओके। तो 2, 3, 4, अब आप देखो मजे की बात क्या है, इस चीज़ को देखो आप, ये चीज़ ज़रा इससे आप मैच कराओ, रिजम्बल कराओ, ये आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। देखो माइनस 1, 1, 0 को अगर आप ऊपर ले करके जाओगे, ओके, अगर आप मैट्रिक्स
इसमें आप जो ऑपरेशन लगाओगे तो -110 जो है ऊपर चला जाएगा, ओके, और यहाँ पे 012 नीचे आ जाएगा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद 234 ऊपर चला जाएगा और 012 नीचे आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बी से इसका लेना देना तो है, मतलब ये जो हमारा बी मैट्रिक्स है और ये जो इक्वेशन है इसका इससे क्या है लेना देना है। चलो ठीक है, अपन उसको सॉल्व कर ले आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या मिला, आपको आपके पास मिला है ए बी इक्वल टू सिक्स आई, और आपको दिख रहा कि पिक्चर में बी तो है, तो अगर पिक्चर में बी है तो बी को अगर आप निकालोगे तो बी इक्वल टू सिक्स, अगर जो है आपके पास में बी जो है बी इक्वल टू सिक्स आई अपॉन ए, ओके, बी इक्वल टू सिक्स आई अपॉन ए, मतलब बी इक्वल टू सिक्स इंटू ए का इनवर्स, बी इक्वल टू सिक्स इंटू ए का इनवर्स। अब हमको जो है हमारे पास ये जो चीज़ है हमें इसको सॉल्व करनी है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बहुत एहतियात से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, सिक्स आई आ गया है, ओके, कितना आ चुका है, सिक्स आई यहाँ से आपके पास में आ चुका है। तो अब देखो आपके पास में जब बी इन टू ए इक्वल टू सिक्स आई है, तो यहाँ से अगर आप ए के नीचे सिक्स को ले आते हैं तो आई के नीचे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, मतलब जो बी इनवर्स आपके पास बना वो कितना है, एक्चुअली वो ए अपॉन सिक्स है। हाँ माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे बी इनवर्स ही निकाला, हाँ बी इनवर्स ही तो निकाला मैंने, तो ठीक है ना, बी इनवर्स निकालना था मेरे को, मैंने बी निकाल लिया, कोई बात नहीं, मेरे को बी इनवर्स निकालना था, तो इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। क्या फिर से बोलूँगा, बी ए आपके पास कितना है, सिक्स आई है, तो बी इन टू ए इक्वल टू सिक्स आई हो गया, तो ए अपॉन सिक्स इक्वल टू आई अपॉन बी, तो बी इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई सिक्स। तो ये आपने बी इनवर्स की वैल्यू ए बाई सिक्स लिख रखी है। अब आ जाइए इक्वेशन पे आगे, ये इक्वेशन आपने ले आए, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास ले आए हैं, आपको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड बचाते हैं, एक्स वाई जेड आप बचाते हैं, तो एक्स वाई जेड आप बचाते हैं, इधर पे रोकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाली चीज़ किस में आ जाएगी, इधर जाके इन्वर्स में आ जाएगी, तो 1 -10 2 3 4 और 0 1 2 का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 3 17 7। अब आप कहेंगे हमारे पास इसका इन्वर्स तो है नहीं, क्योंकि देखो क्या है, ये देखो 1 -10 2 3 4 और 0 1 2, ओके, आप कहोगे आपकी इसका इन्वर्स तो है नहीं आपके पास, बट ध्यान से देखो, आपके पास शुरू में आपने a इंटू बी का इन्वर्स निकाला था, और b और a का मल्टीप्लाई कितना आया था, 6 ही आया था, ठीक है, और वहाँ पर आपके पास में जो है ये बैठा हुआ था 1 -10 2 3 4 और 0 1 2, ये बैठा हुआ था, देखिए 1 -10 2 3 4 और 0 1 2, ठीक। और अब आपके पास यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर आपके पास बैठा है 1 -10 2 3 4 और 0 1 2, ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका 1 -10 2 3 4 0 1 2, ये बन गया आपका b का इन्वर्स। और जो आपका b का इन्वर्स है, क्योंकि अभी जो आपके पास में देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास में बना है कोफिशियंट मैट्रिक्स के रूप में, वो वही बना है जो आपका मैट्रिक्स b था, ठीक है ना, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको मैट्रिक्स का इक्वेशन को अरेंज करना है ऐसा फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने 0 1 2 ले लिया था, मतलब पहले मैंने इधर उधर कर दिया था इसको, ओके, तो मतलब पहले मैंने y प्लस 2z का ले लिया था, तो देखो ये 0 हो गया था, इधर का y हो गया, इधर का 2z हो गया था। तो आप किसी इक्वेशन को पहले लिखते हैं, किसी इक्वेशन को बाद में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप पहले
उस इक्वेशन को लिखें जो सपोर्ट कर रहा है। तो देखो 1-1, 0 कौन सपोर्ट कर रहा है, ये वाला। ओके, फिर इसके बाद में 2, 3, 4 कौन सपोर्ट कर रहा है, सेकंड वाला, और लास्ट वाला ये सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने बी का इन्वर्स जो है आपने फाइंड कर लिया। ओके, और बी का इन्वर्स कितना आ गया आपके पास, ए अपॉन 6। ये देखिए ए बाई 6 आया है, तो इसको पुट कर देंगे 1/6 के साथ साथ में लेकर के। तो इसको हमने 1/6 के साथ साथ में लेकर के पुट कर दिया, और ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, ये जेड का वैल्यू, पूरे वैल्यू इसकी आ चुकी हैं। ओके, और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन जो है CBSE का गुड क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड से हटके है ये क्वेश्चन, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये बढ़िया क्वेश्चन आया, देख करके इसको मज़ा आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी इक्वल टू ज़ीरो देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ, अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है। ओके, तो चलो भाई साहब ये अपने पास में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है सब सब की तीनों को ऐड कर लो या तो कॉलम वाइज रो वाइज। तो अपन ने रो वाइज ऐड कर लिया, तो ये आ गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन हो गई। दो जीरो बना लिया सी वन में से सी थ्री और सी टू में सी थ्री माइनस करके। अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया वन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी, इसको हमने खोल दिया तो ये कुछ सिचुएशन बन गई। अब मजे की बात है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी। देखो क्या चीज़ है भाई साहब, है ना, यहाँ पर आपको जो है अरेंज करना पड़ेगा। अब कैसे अरेंज करते हैं, देखो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। ओके, आपके पास बचा क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ आपके पास अंदर क्या बचा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचा हुआ आपके पास में, ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसने कॉम्प्लेक्स कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके बता सकता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास कितना बचा हुआ था, यहाँ पे आपके पास बचा हुआ था ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में बचा हुआ था माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कितना है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तो ठीक बात है, 1/2 लगाओ और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 2c² ओके, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अच्छी बात है। 1/2 माइनस कॉमन ले लो, तो 1/2 किससे माइनस कॉमन, इधर वाले टर्म से, इधर वाले ब्रैकेट से, ए प्लस बी प्लस सी 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब मजे की बात देखो यार, क्या है, माइनस 1/2 ए प्लस बी प्लस सी तो है ही। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन चुका है ब्रैकेट। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है जीरो के इक्वल है, इसकी जो वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जीरो के इक्वल है तो या तो ये जीरो होगा, बट पहले ही धमकी दे रखी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल जीरो के नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर ये ब्रैकेट पूरा का पूरा जीरो होगा, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो, जीरो के इक्वल होगा, मतलब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू जीरो कॉमा बी माइनस सी इक्वल टू जीरो कॉमा सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी ए इक्वल टू बी के इक्वल टू सी के। तो ये लॉजिक यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और बनती है यहाँ पे, एक चीज़ और बनती है कि एक कॉम्पिटिटिव का लॉजिक यहाँ पे योग और बहुत तगड़ा बनता है कि आपके पास ये जो इसका आंसर आया, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया -1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, आप एज ए रिजल्ट इसको याद भी कर सकते हो। तगड़ा लॉजिक ये है
कि देखो एक ही चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, एक ही चीज़ हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब आपसे कोई बंदा बोले कि इसकी वैल्यू जो है, इस आंसर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो अगर यदि ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो होगा, ये जो टर्म होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। मतलब यदि पूरा का पूरा ये पॉजिटिव आ रहा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये पूरा का पूरा आंसर, इस चीज़ का ये जो आपके पास में डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, तो बात यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया मैंने बात आपको बताई है, एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिक आप लिख सकते हो, एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिक मैं आपको इसको बोलूँ, यदि ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ओके बता दूँ मैं इसको क्या है एज अ ट्रिक, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ओके, तो इसका जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, कब नेगेटिव, तब होगी जब ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये ट्रिक है सीधी सीधी, अभी जो हमने सॉल्व किया ना उससे समझ में आ रही है। और पॉजिटिव होगी कब, जब ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ना लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, तब ये पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन से निकल कर क्या है, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बढ़िया है, गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डन। ओके, तो आप लोग इसको इस तरीके से लगाइए और सॉल्व कीजिए अच्छे से, यहाँ पर दिक्कत आती है आप लोग प्लीज़ मेरे को बताएंगे। ओके, यहाँ तक हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 एक बेहद लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस आपको घर से करके जानी चाहिए। अब कैसे, क्या कह रहा है, ही प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है ये इससे डिविजिबल हो रहा है, पहली चीज़ तो ये है। तो अगर ये इससे डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये चीज़ इससे कॉमन निकलेगी। तो पहली चीज़ जान झोंक दो कि मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ। ओके, a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे कुछ आपको रैंडम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं मन से कि देखो कहाँ पर a प्लस। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे इसको माइनस किया, तो मैंने कहा बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी ए और प्लस बी स्क्वायर, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि मैं कहले कर लूँ तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए और बी प्लस ए, ये चीज़ बन गई। और बी सी माइनस ए सी, तो यहाँ से आपके पास में सी यदि आपने कॉमन ले लिया प्लस का सी, ओके तो कितना अंदर आ गया है, सी आपने कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए आ गया है। ओके, और आप देखो बी माइनस ए इसके पास भी है, बी माइनस ए इसके पास भी है, तो बी माइनस ए एटलीस्ट कॉमन आने के बाद आपके पास क्या बच गया है, ब्रैकेट में आपके पास बचा गया है ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे सी वन में से सी टू को माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास में, ए प्लस बी माइनस सी आ रहा है। ओके, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी माइनस ए बाहर। तो यहाँ पर बस ऐसे ही हमने कुछ कर दिया। तो देखिए ये दो ऑपरेशन ये बार लगा है, एक बार क्या लगाया मैंने, सी वन में से सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू लगाया, एंड देन सी टू टेंस टू मैंने क्या लगाया, सी टू माइनस सी थ्री लगाया। तो ऐसा करने से मेरे पास देखिए ए प्लस बी प्लस सी पहले यहाँ से कॉमन आ गया, फिर यहाँ से कॉमन आ गया, तो मैंने कुल मिला के इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद। ओके, अब देखिए अब मैं ये क्या हो रहा है मेरे पास, अब यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, आर वन टेंस टू आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये देखिए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया कि आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो मज़े की बात क्या है, ये दो जीरो बन गए, बट एक जो रो है हमारी खतरनाक सी आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आर वन के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से खुलती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वाला रहेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ये जो आपका जो टर्म आएगा ये इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक की चीज़ तो ठीक है, ओके यहाँ तक की चीज़ ठीक है, इसके बाद जो है हम इस चीज़ को जो है पूरे के पूरे खोलना शुरू करते हैं। कैसे खोलते हैं, देखो एक विशेष प्रकार के तरीके से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो ठीक है।
देन इसके बाद सी माइनस बी, ये वाला जो हमने पूरा का पूरा इसको हमने ओपन कर दिया, सी इन टू बी सी बी हो गया, सी इन टू ए माइनस ए सी, फिर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो क्या करना है अपने, ये माइनस साइन जो दिख रहा ना आपको पूरा का पूरा, ये माइनस साइन आप पूरा का पूरा कॉमन ले लिए, ओके। देखो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर प्लस में है, ओके, और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये माइनस साइन आपने इसको दे दिया, इस वाले बॉक्स को, इसका जो माइनस साइन निकल के आपने इसको दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में चला गया, ए बी माइनस बी सी, ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस में चला गया, और ये आपके पास बन गया इतना। अब क्या करो आप, अब टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर दो, तो टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करोगे तो ये वही जो मैंने पुराना क्वेश्चन किया था, वन अपॉइंट टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक प्लस बी प्लस सी इसको दे दो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और साथ में टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड करने से ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ आपकी बन जाएगी। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये बन चुका है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को एक फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, और ये एज इट इज़ आप इसको पुट कर दो, ठीक है ना। सो अब क्या होगा, ये जो है वन अपॉन टू ए प्लस बी प्लस सी, आपका कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का कोफिशेंट क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो आपका कोफिशेंट होगा, मतलब इसको छोड़ करके जो आपका बाकी का बचेगा, है ना, कोशियंट क्या होगा, कोशियंट कह रहा है कि इसका कोशियंट क्या होगा, ओके, तो इसका कोशियंट कितना होगा, इसका कोशियंट होगा ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, और फिर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये इसका आपका कोशियंट बनेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो वन अपॉइंट टू भी यहाँ लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके, तो ये आपका इसका कोशियंट बनेगा। तो ये मैं कहूँगा, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार लगा के जाना पड़ेगा, तब आपके वहाँ पे दिमाग में क्लिक होगा। तो ये क्वेश्चन रीड बिफोर एग्ज़ाम है, सीबीएसई जब हार्ड पेपर बनाता है, जब दुश्मनी निकालता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डालता है, अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलते नहीं हैं, ओके। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक का मेरा प्रोसेस जो है पूरा समझ में आके होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इसको ट्राई कीजिए, एक बार में ये आपको नहीं बनेगा, आपको कई बार जब करना पड़ेगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों, आज की प्रैक्टिस को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, और बाकी की प्रैक्टिस मैं कल आपको कराऊँगा, ओके। तो जितने क्वेश्चन करा दिया हूँ आप लोग उसकी तैयारी करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडीज़ों, जय हिंद।